हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को ही आगे कंटिन्यू करेंगे तो so, देखिए ना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर ट्वेंटी पे और आज के इस ट्वेंटी लेक्चर के अंदर हम एक नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपका बेंजोफ्यूज सिक्स मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ओके तो देखो ना जैसे हम ऑलरेडी डिस्कशन ले चुके हैं बेन्जोफ्यूज फाइव मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे सेम वे पे अब हमने फाइव मेंबर के बजाय किस पे लेना है सिक्स मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे ओके okay? और ये जो सिक्स मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रहते हैं जो की बेन्जोफ्यूज है इसके अंदर पर्टिकुलरली अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो तीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को इंक्लूड किया हुआ है तो तीनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हम कवर करते हुए चलेंगे तो आज हम हमारे पहले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को डिस्कशन में लेंगे जो है आपका क्यूनेलिन तो आज के इस ट्वेंटी लेक्चर पे हम कंप्लीट डिस्कशन लेने वाले किस हैं किसके अंदर क्यूनेलिन के अंदर और डिस्कशन हमारा सेम फॉर्मेट पे रहेगा पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे यानी कि पहले समझ लेंगे कि क्यूनेलिन आखिर होता क्या है इसका स्ट्रक्चर समझेंगे सो so, सॉरी थोड़ा हैंग हो गया इसका स्ट्रक्चर समझेंगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझेंगे और तीन केमिकल रिएक्शन शेयर करूंगी तो सारी के सारी बहुत आसान है जिस समझने की नीड है उसके अलावा कुछ नहीं ठीक है तो बहुत आसान है डेफिनेटली आपको लेक्चर क्लियर हो जाएगा तो हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले लेक्चर को तो देखो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हमारे तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर

सिक्स मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ यानी कि आपके पास इनिशियली देखो आपके पास एक सिक्स मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो सपोज करो मैं एक छह की सिक्स मेंबर की रिंग बना लेती हूँ और यहाँ आपकी जो रिंग होती है वो आपको पता है रिंग आपकी हमेशा अनसे रहने वाली है और यहाँ पे आपका कोई भी हेट्रो एटम हो सकता है सपोज आप यहाँ पर कोई नाइट्रोजन ले लेते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन एज अ अट्रो एटम आ गया तो ये हमको क्या मिली एक सिक्स मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग मिली ओके अब आपसे बोला ये जो सिक्स मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है इसको आप फ्यूज करो किसके साथ फ्यूज करो बेंजो के साथ बेंजो मतलब बेंजीन के साथ तो अगर मैं इसे किसके साथ फ्यूज कर देती हूँ बेंजीन के साथ तो अब सो so सॉरी

और अगर क्यूनलिन का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो क्यूनलिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर आप ये जो आपकी जो सिक्स हेट्रोसाइक्लिक रिंग है इसमें अगर आप अपना हेड्रो एटम नाइट्रोजन को प्लेस कर देते हैं और इस रिंग को आप फ्यूज कर देते हैं बेंजो के साथ तो आपको जो ओवरऑल स्ट्रक्चर मिलता है जो ओवरऑल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलता है उसी को आप क्या बोलते हैं क्यूनलिन क्लियर हुआ तो बहुत आसान है ठीक है अब देखिए ना पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो और आसानी से क्लियर होगा तो क्या बोलोगे आप क्यूनलिन को एग्जाम में कैसे डिफाइन

क्लियर हुआ अब अगर हम इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला कितना बनता है सी नाइन एस सेवन एन यानी कि कार्बन का काउंट है नाइन और हाइड्रोजन का काउंट है सेवन और एक आपने हाइड्रो एटम किस लिया हुआ है नाइट्रोजन को लिया हुआ है ठीक है अब इसके अदर नेम्स देखे तो यानी कि ये बोल रहा है आप इसे क्यूनिलिन तो बोलते हैं लेकिन इस क्यूनिलिन के अगर हम दूसरे नेमिंग देखे दूसरे नेमिंग सिस्टम देखें तो दूसरे नेमिंग सिस्टम के थ्रू इसकी जो नेम्स बनते हैं वो क्या बनता है देखो आप इस क्यूनिलिन को क्या है वन एज ए भी बोल सकते हैं आप देख सकते हैं आपका नेप्सोलिन का स्ट्रक्चर है देखो दोनों ही तो आपके क्या बेंजीन थे देखो इनिशियली दोनों ही आपके बेंजीन थे ये आपकी नेफ्थलिन बनी लेकिन हमने क्या किया एक बेंजीन में से क्या कर दिया कार्बन को हटा के रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन से तो ये बोल रहा है अगर आप इस स्ट्रक्चर को नेम करना चाहें तो आप नेमिंग के थ्रू क्या बोल सकते हैं कि ये जो पहली पोजिशन है जहां आपका हाइड्रो एटम रहेगा उसे आप फर्स्ट पोजिशन ही तो बोलेंगे तो पहली पोजिशन में नाइट्रोजन लगा है तो आपने इसे क्या बोला नाइट्रोजन को हम क्या बोलते हैं एजा बोलते हैं तो हमने इसे बोला वन एजा देखो वन एजा एंड बाकी अगर जो इसका स्केलेटन है बेस है उसकी अगर हम बात करें तो ये किसका बेस है नेपथलिन तो हमने क्या बोला नेपथलिन तो ये बन गया वन एज ए ओके और अगर आप इसे फ्यूज़ सिस्टम देखो नेमिंग के तो हमने डिफरेंट सिस्टम है किसी भी सिस्टम के थ्रू अगर आप नेमिंग करेंगे तो डिफरेंट नेमिंग आपको मिल रही है अगर आप फ्यूज सिस्टम के थ्रू नेमिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये बी फेस से एक दूसरे के साथ फ्यूज है तो आप इसे बोलोगे बेंजो बी यानी कि एक आपके पास बेंजीन है ये फ्यूज जो रखे किसके साथ के साथ के ये ये बेंजो है ये आपकी पैरिडिन है और फ्यूज कौन से पोर्शन से हुआ है बी फेस से हुआ है तो आपने इसे बोला बेंजो बी पैरिडिन क्लियर हुआ और साथ ही साथ आप इसे एक और नेमिंग के थ्रू बोल सकते हैं आप इसे वन बेंजो पैरिडिन भी बोल सकते हैं यानी कि आपकी पैरिडिन की

ओके okay? तो ये है वो सैंपल जो आपका एयर में ही पड़े रहता है तो वो अपना कलरलेस स्टेट से, से कहा जाती है में बाद में बूढ़ा हो जाएगा यानी कि आप बोल सकते हो बहुत एज वाला हो जाएगा उसे आप बहुत लंबे टाइम के लिए रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है ये बोर्ड है

पेरेडिन है बेंजीन और पैरेडिन फ्यूज हो गए तो आपको क्या मिल गया क्यूनेलिन ओके और अगर हम इसके स्ट्रक्चर में बात करें तो आपको सिंपली ये बोला गया कि इसके स्ट्रक्चर में सारे कार्बन आइटम्स एंड नाइट्रोजन इनका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ऑब्वियसली बात है sp2 हाइब्रिडाइज होंगे भी क्योंकि हम, हमने पहले ही बोल दिया था ये जो क्यूनेलिन है

अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तभी हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो यहाँ पे आपके सारे जो कार्बन एटम हैं और आपका इवन जो नाइट्रोजन है वो सबके सब आपके क्या है sp2 हाइब्रिडाइज हाइब्रेडाइज है ओके okay? तो आपने स्ट्रक्चर में जस्ट इतनी प्रॉपर्टीज देखनी है बाकी एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है वो तो आप अपना हकल रूल लगा के फॉलो कर सकते हैं टेन इलेक्ट्रॉन होंगे और आपको बताया टेन पाई इलेक्ट्रॉन यून क्या होता है कि कंपाउंड आपका क्या होता है एरोमेटिक होता है ठीक है तो हमको बताया सिक्स टेन ये हमारे क्या होते हैं एरोमेटिक की प्रॉपर्टीज होती है ठीक है अगर आपके पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सिक्स हो गए या टेन हो गए तो कंपाउंड आपका क्या है एरोमेटिक है ओके okay? नाउ बात करते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बनाए लेंगे तो ये आपका कंपाउंड है देखो ये आपका कंपाउंड है आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये कभी भी क्या है डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है ये क्या है डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं ये एज अ पाई इलेक्ट्रॉन की तरह यहाँ पे एक्ट नहीं करता ओके तो अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो देखो होगा क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे है नाइट्रोजन के एडजस्टन में जो आपका डबल बॉन्ड था इसको आपने किसके ऊपर शिफ्ट किया नाइट्रोजन के ऊपर अगर इसको बॉन्ड को आप तोड़ेंगे और कहा शिफ्ट करेंगे नाइट्रोजन के ऊपर तो आपको पता है नाइट्रोजन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज

अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो देखो ये यह वहां यहाँ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा लेकिन इस पोजिशन में क्या होगा पॉजिटिव चार्ज तो देखो नेक्स्ट स्टेक्चर में हमने वही किया है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज अब इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे सेटिस्फाई किया जाए ये बोलेगा हमारे एडजिस्टिंग पोजिशन में भी तो डबल बॉन्ड है हम क्या कर सकते हैं इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएगा इस पोजिशन में तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज क्लियर अब इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे करेंगे हम क्या करेंगे इसके एडजिस्ट पोजिशन में पे 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 है डबल बॉन्ड इसको हम शिफ्ट करेंगे यानी कि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा लेकिन ये कार्बन में क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्लियर अब इसको सेटिस्फाई कराएगा इसका नेक्स्ट डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड को जैसे हम यहाँ डालेंगे तो ये सेटिस्फाई ये भी सैटिस्फाई लेकिन यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज तो देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ का है ठीक है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड ओके अब इस पॉजिटिव चार्ज को कौन सेटिस्फाई करेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन को हमने नेगेटिव चार्ज दिया था ये क्या करेगा इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ ट्रांसफर करेगा और अपने ऊपर से भी नेगेटिव चार्ज हटा लेगा और इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटा देगा और वापस से हमको हमारी स्पीस यानी कि क्यूनोलिन ऑप्टेन हो जाएगी तो हमको क्या करना था क्यूनलिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने थे तो ये सारे क्या बन गए आपके क्यूनेलिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो की बहुत आसान है कर लेंगे तो ये जैसे हमने किस पे बात की इंट्रोडक्शन पे बात की ये इसका स्ट्रक्चर ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ओके तो देखिए अब बात कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ क्यूनेलिन यानी कि हम क्यूनेलिन को कैसे सिंथेसाइज करेंगे यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया इसे सही कर लीजिएगा ठीक है तो देखो ना क्यूनेलिन को सिंथेसिस के लिए दो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं तो पहला मेथड सुनते हैं तो बहुत आसान है सुनेगा ये बोल रहे हैं हम थ्योरी करेंगे एंड देन फाइनली मैकेनिज्म के थ्रू इसके प्रोसीजर को समझेंगे ओके तो देखो थ्योरी पे आपको क्या लिखा हुआ है ये थ्योरी पे इतना ही बोल रहा है कि जो स्क्रप सिंथेसिस है या फिर आप बोल सकते हो आपकी जो स्क्रप रिएक्शन है ये केमिकल

सिंथेसिस के अंदर फर्स्टली आप किसका यूज करते हैं एनिलिन का यूज करते हैं इस एनिलिन को फर्स्टली आप हीट करते हैं तो किसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ग्लिसरॉल के साथ और देन आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं जैसे आपका नाइट्रोबेंजीन हो गया और जैसे आप ये पूरा प्रोसीजर कराते हैं यानी कि आपको फर्स्टली क्या लेना है अपना एनिलिन लेना है में एक यहां पर लेंगे। और आपका क्या होगा नाइट्रोबेंजीन को आप यहाँ पर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे और जैसे ये पूरी कंडीशन आप प्रोवाइड कराएंगे आपको देखने को मिलेगा कि फाइनली आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा विच इज क्यूनिलिन और साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट क्यूनिलिन के साथ

और ऑक्सीडेशन कराने की वजह से आपको फाइनली क्यूनलिन ही ऑप्टेन हुआ लेकिन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने ऑक्सीडेशन तो कराया बट उसके ऊपर क्या हुआ रिडक्शन हुआ जिसकी वजह से एनओ टू ग्रुप में कन्वर्ट हो गया एनएच टू ग्रुप में कन्वर्ट हो गया क्लियर हुआ तो ये आपके सिंपल क्या है रिएक्शन है इसमें तो हमने डायरेक्ट शो किया है बट अब मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू बताती हूँ कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे हुई ओके तो देखो मैकेनिज्म में आपसे कुछ नहीं कह रहा है ये बोल रहा है तीन स्टेप में आपने मैकेनिज्म करानी है

दूसरा मोल कहां से निकलेगा देखो दो निकले H यहां, यहां से निकलेंगे एक एक हाइड्रोजन यहां है दूसरा हाइड्रोजन यहां से निकलेगा ये दो निकले और एक ऑक्सीजन यहां से निकला तो यहां से भी H2O निकला यहां से भी H2O निकला तो दो मोल आपके H2O निकल गए और बचा क्या देखो अगर आप यहां से OH को निकालते हैं और यहां से H को निकालते हैं तो आपको पता है यहां पे डबल बॉन्ड आ जाना है तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया ठीक है और यहां से अगर आप ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन को निकालते हैं और यहां से ऑक्सीजन को निकालते हैं तो होगा क्या इस ऑक्सीजन देखो ये तो आपका सी एच में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ठीक है और कुछ इस टाइप की आपको ऑपरेन हो जाएगी और यहाँ से भी तो ऑक्सीजन निकला था ठीक है समझ में आया ना मैं रिपीट कर देती हूँ इसको दोबारा बना देती हूँ क्लियर नहीं आया हो देखिए ये आपका क्या था सी एच टू ओएच ये सी एच ओ एच ये आपका ओ एच OH, ठीक है आपने यहां से पहले वाटर निकाला एच टू ओ ठीक है तो ये आपका एच टू ओ निकल गया कुछ ऐसे ठीक है और यहां से भी हमने क्या किया वाटर को निकाला देखो यहां से दो हाइड्रोजन निकले सपोज ये दो हाइड्रोजन यहां से एक ऑक्सीजन यहां से तो हमको कुछ स्पेसीज कुछ ऐसी मिली ठीक है यहां से निकाल दिया यहां सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा ठीक है तो हुआ क्या इनको आप सेटिस्फाई करोगे वैलेंसी तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे भी आपका क्या आएगा एक डबल बॉन्ड आएगी तो आपको ये स्पीसीज ऑप्टेन हो जाएगी सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो इसे आप बोलते हैं एक्रोलिन यानी कि आपको एज अ प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप में क्या ऑप्टेन हुआ एक्रोलिन ऑप्टेन हुआ ओके अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे इस एक्रोलिन का यूज करके अपनी रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराएंगे इतनी चीज तो क्लियर आई ना अब ये एक्रोलिन का हमने क्या करना है हमने देखो रिएक्शन कंडीशन में बोला था कि हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं ग्लीस्ट्रॉल ले रहे हैं इन दोनों का यूज तो हमने कर लिया अब रिएक्शन कंडीशन में हमारे पास एनलिन भी है अब हम क्या करेंगे इन अब कैसे रिएक्शन होगी तो देखो एनोलिन में ये जो आपका एनस्टू है इसके ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन है यही तो है ना अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन का अटैक हम कहा कराएंगे इस रिंग में कराएंगे क्योंकि देखो ना सिंपल सी बात है हमने क्या करना है एक सिक्स मेंबर मतलब दो सिक्स मेंबर रिंग को फ्यूज करना है तो अभी आपके पास एक सिक्स मेंबर रिंग है आपने क्या करना है इसके साथ एक दूसरी सिक्स मेंबर रिंग को जोड़ना है तो जुड़ेगी कैसे आपको क्या करना होगा अप्रोच करना होगा नाइट्रोजन तो यहाँ पेड्रो एटम प्रेजेंट होगा पे आपको क्या है दूसरी रिंग भी बनानी है तो ये रिंग कैसे बनेंगी तो आप खुद ही सोच लीजिए हमको क्या करना होगा एडिशन करना होगा यानी कि एक्रोलिन का एडिशन किसमें कराना होगा एनिलिन में कराना होगा तो कैसे एडिशन हो सकता है तो आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर है अनपेड इलेक्ट्रॉन इस अनपेड इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये अप्रोच कर सकता है तो होगा क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका जो कार्बन और कार्बन है तो देखो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन अटैक तो इसी से होगा अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है अब अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो आपको एक पॉजिटिव चार्ज भी तो चाहिए तो पॉजिटिव चार्ज कहां से आएगा आपको पता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आप इस पाई बॉन्ड को तो क्लीव कर सकते हैं ना पाई बॉन्ड को आप आसानी से क्लीव कर सकते हैं और क्लीव किसके ऊपर करेंगे भाई दोनों जगह आपकी क्या है कार्बन ही है तो आपकी मर्जी आप किसी पे भी करो तो हम क्या कर सकते हैं इसको नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं और इसको पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं और ज्यादा प्रिफर आप इसी को नेगेटिव करेंगे क्यों क्योंकि देखो इसके नेक्स्ट पे आपका जो कार्बन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा अगर इसके ऊपर नेगेटिव है तो इसको मिलेगा पॉजिटिव और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इसके नेक्स्ट में क्या आना चाहिए

इनका अप्रोच कहाँ कराऊंगी पॉजिटिव सेंटर पे तो हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर जो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन थे या फिर आपके जो नेगेटिव चार्ज था इसने कहा अप्रोच किया इस कार्बन पॉजिटिव में अप्रोच किया और अप्रोच किया मतलब एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो ये जो नाइट्रोजन है इसने क्या किया इस सी के साथ एक नया बॉन्ड बना दिया दिख रहा है ये वाला एक क्या है नया बॉन्ड है ओके और बाकी सारी की सारी चीजें अभी हमने क्या किया है एज इट इज की है आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं देखो हमने इसे फर्दर भी ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव बट आपको है कि भाई कार्बन एक पॉजिटिव एलिमेंट है इसके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज 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 नहीं नहीं आ सकता। आ सकता सकता पॉजिटिव है बट आएगा तो कार्बन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज हटाने के लिए हमने क्या किया इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट किया अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड तो देखिये इस नेगेटिव चार्ज को हटाया और यहाँ शिफ्ट किया और यहाँ पे हमको क्या ऑप्टेन हुआ एक डबल बॉन्ड ठीक है सॉरी देखो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है तो अब आपको आगे क्या देखने को मिल रहा है देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया अब सब कुछ सेटिस्फाई है लेकिन ये कार्बन देखो ये तो सेटिस्फाई हो गया इसकी प्रॉब्लम हमने solve कर दी कि इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज हटा दिया लेकिन अब इसके ऊपर प्रॉब्लम आ गई इसकी वैलेंसी चेक करो ये दिख रहा है आपको दो वैलेंसी यहां दो यहाँ एक यहां तो पेंटा वैलेंट तो होगा नहीं अब इससे क्या करना होगा नया बॉन्ड को तो ये मना कर नहीं सकता नया बॉन्ड तो ये बनाएगा लेकिन पुराना बॉन्ड तोड़ेगा तो पुराना बॉन्ड कौन सा टूटेगा पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड वीकर होता है तो ये इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और ये बॉन्ड किसके ऊपर

यहाँ पे हमने सी एच टू के साथ बॉन्ड बनाया इसके नेक्स्ट में ये बना आपका सी एच सी एच के साथ डबल बॉन्ड ये बना सी एच और ऑक्सीजन के ऊपर लगा नेगेटिव चार्ज क्लियर हुआ बहुत आसान है अब अगले स्टेप में आपने क्या किया है कुछ नहीं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है स्ट्रक्चर में आपने क्या किया देखो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर को क्या है? नेगेटिव चार्ज आप क्या कर सकते हैं इस नाइट्रोजन से बोल के कि अपना हाइड्रोजन दे दो और इस हाइड्रोजन को कहां ट्रांसफर कर सकते हैं इस ऑक्सीजन पॉजिटिव के साथ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा तो बस इतनी चीज आपने की है बाकी सारी चीजें एज इट इज है आपने क्या कर दिया इसे हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जो कार्बन है कार्बन के साथ एक जगह तो आपका हाइड्रोजन है एक जगह आपने क्या लगा दिया हाइड्रोक्सी ग्रुप क्लियर हुआ ना बाकी सारी चीजें एज इट इज है, है. यहाँ मैंने कार्बन लिखी है यहाँ कार्बन लिखी नहीं है बट मतलब आपका वही है देखो नाइट्रोजन की बगर में ये सी एच टू हुआ स्के में ये आपका सीएच हुआ डबल बॉन्ड आपका सी एच हुआ और ऊपर क्या हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप ये वाला क्लियर अब अगले स्टेप में क्या करना है देखो ना अब आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्यूनिलिन का जैसा बिल्कुल दिख रहा है बेंजीन आपको दिखी रही है इसके नेक्स्ट में आपको क्या दिख रहा है सिक्स मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है कैसे होगा अगर आप यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन कर देंगे क्योंकि देखो आपको क्या ये जो सिक्स मेंबर की रिंग जो बनने वाली है ये अभी भी आपको ओपन दिख रही है क्लोज तो नहीं है क्लोज करने के लिए आपको क्या करना होगा इस कार्बन को यहाँ जोड़ना होगा अब जुड़ेगा कैसे जब आप यहाँ से क्या करेंगे वाटर को एलिमिनेट करेंगे अगर यहां से वाटर निकलता है तो होगा क्या देखो मैं दिखाती हूँ आपको देखो होगा क्या अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ दूं तो आपको पता है बॉन्ड कैसे टूटेगा ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज मिलेगा और कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव ठीक है अब सेम वे पे अगर मैं कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दूं तो आपको पता है हाइड्रोजन को कौन सा चार्ज मिलेगा पॉजिटिव और कार्बन को कौन सा चार्ज मिलेगा नेगेटिव तो हमको क्या मिला देखो हमको क्या मिला हमको मिला हाइड्रोक्सी ग्रुप हमको मिला एच पॉजिटिव आयन तो ओ एच नेगेटिव भी मिला एच पॉजिटिव भी मिला ये कंबाइन होके क्या बना देंगे वाटर बना देंगे तो यहां से हमने वाटर को एलिमिनेट किया और उसके अलावा अगर मैं इसे एलिमिनेट कर दूं तो देखो अब हमको क्या दिख रहा है अब हमको दिख रहा है ये कार्बन को नेगेटिव चार्ज है तो 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 किसके साथ बनाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिय है तो इनके थ्रू क्या होगा एक नया बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और हमको कुछ इस टाइप की स्पीसीज ऑप्टेन हो जाएगी हुई ना बिल्कुल सेम स्पीसीज हुई हमको सिर्फ देखो एक सिक्स मेंबर रिंग मिल गई लेकिन उसके नेक्स्ट तो जो सिक्स मेंबर रिंग थी इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड आपको अभी मिल रहा है बाकी कुछ नहीं मिल रहा नाइट्रोजन है, है और आपके पास क्या एक डबल बॉन्ड है बस इतनी चीज क्लियर आई तो ये जो स्पीसी मिली है ये अभी भी हमारा पूरी तरह से क्यों नहीं बना है

नाइट्रोबेंजिन जिसको हमने एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करना था तो अभी हमने अब लास्ट स्टेप में क्या कराना होगा ऑक्सीडेशन किसकी हेल्प से हमारे नाइट्रोबेंजिन की हेल्प से बिकॉज ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमने क्या लिया वन टू डाई हाइड्रोक्यूनिंग लिया रिएक्शन कंडीशन में ऑक्सीडेशन डाला क्योंकि मैंने क्या किया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया है C6H5NO2. इस की में मैंने इसका क्या कराना है ऑक्सीडेशन अब देखो ना ये चीज आपको पता है कि रिडक्शन मतलब क्या होता है रिडक्शन मतलब होता है आपका जो आपके रिंग आपके बोल सकते हो जो आपके रिंग अनसेड है यानी कि जो आपका डबल बॉन्ड है उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने को आप क्या बोलते हैं रिडक्शन अगर मैं ऑक्सीडेशन बोलूँ तो सी बात है ऑक्सीडेशन क्या होता है रिडक्शन का ही उल्टा यानी कि जो आपका सिंगल बॉन्ड है अगर हम उसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करें यानी कि वहां पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन तो हमने क्या करना है यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना ही तो है

था वो किस में कन्वर्ट हो गया वाले पोर्शन में कन्वर्ट हो गया गया यानी कि यहां पे क्या आ डबल बॉन्ड आ गया और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो अब ये वन टू डाई हाइड्रो से किस में कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली क्यों में कन्वर्ट हो गया लेकिन साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये जो आपका एनो ग्रुप है क्योंकि ये जो आपका एनो टू है मैंने क्या बोला ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडेशन कराता है लेकिन उसके ऊपर क्या हो जाता है रिडक्शन तो इसने ऑक्सीडेशन कराया बट ये क्या हो गया रिड्यूस हो गया इसके ऊपर क्या हो गया रिडक्शन और अगर आप रिडक्शन कराना चाहते हैं तो आपको पता है एनओ टू ग्रुप किसमें रिड्यूस हो जाता है ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है तो आपने सिंपली एन टू को किसमें कन्वर्ट कर दिया एनएस टू में क्लियर है तो ये चीज तो मैंने आपको रिडक्शन वाले पोर्शन पर भी समझाया था ओके okay? तो होप यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा क्योंकि ये बेसिक चीज है क्लियर हुआ ना तो देखो हमको मिल गया ना क्यों तो ये हमारी पहली सिंथेसिस है जो कि बहुत ज्यादा आसान है ओके? अब देखो पहली सिंथेसिस थोड़ी लेंथी थी लेकिन सेकंड सिंथेसिस जो हम करेंगे वो बिल्कुल लेंथी नहीं है इस पर डायरेक्टली आप चीजों को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो सेकंड सिंथेसिस आपकी क्या है सिंथेसिस है आपकी कॉम्स क्यूनिलिन सिंथेसिस अब इस कॉम्स क्यूनिलिन सिंथेसिस के अंदर आपको क्या करना होता है वो सुनिएगा so में, तो तो में भी आप जो अपना क्यूनिलिन का सिंथेसिस कराते हैं वो एनिलिन से ही कराते हैं इसमें जो आपको एनिलिन देना है वो आपका अनसबस्ट्यूटेड हो यानी कि उसमें कोई भी सब्सटूशन लगा नहीं होना चाहिए और उस अनसब्सट्यूटेड एनिलिन की रिएक्शन आपने किसके साथ करानी है बीटा डाइकीटोन के साथ आपने रिएक्शन करानी है जैसे आप इसकी रिएक्शन बीटा डाइकटोन के साथ कराएंगे तो आपको एक सबस्टेड होगा एज अ प्रोडक्ट और रिएक्शन कंडीशन में आपने एसिड कैटलिस्ट का यूज करना है ठीक है और आज साथ ही साथ शिफ्ट बेस का भी यूज करना है रिएक्शन कंडीशन में तो देखो सिंपल सी बात है आपने अपना क्या लिया अनुटेड एनिलिन लिया रिएक्शन कराई उसकी बीटा डाइकीटोन के साथ रिएक्शन कंडीशन में आपने एसिड कैटलिस्ट का यूज करना है और साथ ही साथ जैसे रिएक्शन आपकी प्रोसीड होगी आपको फाइनली आपका क्या क्यूनेलिन मिलेगा यानी कि क्यूनेलिन आपको सबस्टिट्यूटेड मिलेगा इतनी चीज़ क्लियर है अब कैसे मिला तो देखो सबसे पहले आपने क्या लिया एनेलिन लिया इस रिएक्शन आपने बीटा डाइकीटोन ठीक है ये रहा हमारा अब रिएक्शन करके पहले देखो आपको एक इंटरमीडिएट ऑप्टिन हुआ ये इंटरमीडिएट कैसे ऑप्टिन हुआ देखो बहुत आसान है आपने क्या करना है वाटर का एलिमिनेशन कराया वाटर का एलिमिनेशन कैसे होगा देखो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है ठीक है एक ऑक्सीजन यहाँ से आया और यहाँ पे जो आपका एनिलिन है इसमें एनएस टू है ग्रुप लगा हुआ है तो एन टू से हम दो हाइड्रोजन भी तो निकाल सकते हैं तो देखो जैसे मैं यहाँ से दो हाइड्रोजन निकालूंगी और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकालूंगी तो आपको पता है होगा क्या ये नाइट्रोजन अब किससे अप्रोच करेगा इस पोजिशन से अप्रोच करेगा यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ तो आपने कुछ नहीं करना ठीक है मैंने देखो यहाँ पर रिएक्शन ही दिखाई हुई है आप इसे मैकेनिज्म के फॉर्मेट पर भी कर सकते हैं कि आपका जो ये एनेलिन था जिसमें ये एनएस टू ग्रुप लगा था आपने क्या किया एन टू ग्रुप से ये दो हाइड्रोजन निकाले और यहाँ पे जो आपका बीटा डाई कीटोन था इसमें से कीटो ग्रुप का ऑक्सीजन को निकाला और यहाँ पे इसे एज अ वाटर बाहर निकाल दिया और अगर ये एज अ वाटर बाहर निकल गए तो आपका अप्रोच कौन करेगा ये नाइट्रोजन क्या है तो हमको जो रिजल्टेंट इंटरमीडिएट मिलेगा वो कैसा मिलेगा देखो बेंजीन रिंग आपकी एज इट इज है यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है अब नाइट्रोजन के साथ किसने अप्रोच किया डबल बॉन्ड ने अप्रोच किया डबल बॉन्ड ने और इसके एक साइड क्या लगा हुआ है आर ग्रुप बाकी आपका नेक्स्ट में आपका कार्बन है कार्बन के नेक्स्ट में आपका डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे आर्ट एस ठीक है ये आर और ये आपका आर्ट एस क्लियर हुआ ना इतना अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ अब हमने एसिड कैटलिस्ट भी लिया था तो रिएक्शन कंडीशन में एस टू एस फोर है अब हमने क्या करना है अगेन यहाँ पे क्या करना है वॉटर का एलिमिनेशन करना है तो वॉटर का एलिमिनेशन कैसे होगा देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है पहले देखो सबसे पहले क्या है यहाँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या है एक मिनट रुकेगा यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है ठीक है तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है ना यहाँ पे हमारे पास कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है हम क्या कर सकते हैं बॉन्ड को क्लीव कर सकते हैं सपोज मैंने बॉन्ड को क्लीव किया तो आपको पता है बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन पे तो ऑक्सीजन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज एंड इस कार्बन को क्या मिलेगा पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो अभी मैं इसे क्या कर देती हूँ इरेज कर लेती हूँ और इसके ऊपर चार्ज शो करती हूँ ठीक है अब देखो अब होगा क्या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ठीक है लेकिन ये कार्बन भी यहाँ पे अनस्टेबल है बिकॉज उसके तो ऊपर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए पहले हम क्या यहां से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो अगर यहां से निकाल दू, तो आपको पता है, मिल गया पॉजिटिव चार्ज, चार्ज तो नेगेटिव पॉजिटिव एडजस्टेंट में तो पता है यहाँ पे हमारा क्या होगा एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ पे हमने इतना और जो ऑक्सीजन नेगेटिव था अब इसके ऊपर कौन सा जा जाएगा ओ OH एच में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ किसने अप्रोच कर दिया हाइड्रोजन पॉजिटिव ने तो ओ एच OH में कन्वर्ट हो गया क्लियर हुआ ना यहां तक कर लेंगे अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में जस्ट हमने जोड़ना है ठीक है जो ये चीज यहाँ है ना इसको हमने जोड़ना है बस इस साइड जोड़ना है कैसे जोड़ेंगे देखो हमने क्या करना है बोला वाटर का एलिमिनेशन कैसे होगा वाटर का एलिमिनेशन देखो यहाँ से अगर मैं ओ ग्रुप को निकाल दू और यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन है इससे मैं हाइड्रोजन को निकाल दू तो होगा क्या देखो अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगी तो इस कार्बन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ से अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप निकालूंगी तो इस कार्बन को कौन सा चार्ज मिलेगा पॉजिटिव बिकॉज इसके नेक्स्ट में क्या है ऑक्सीजन जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा है तो अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन के ऊपर तो ये ओ एच नेगेटिव के

तीसरा आपका ये हो गया चौथा ये हो गया पांचवा ये हो गया छठा ये हुआ बनीना सिक्स मेंबर रिंग जिसमें आपको देखने को क्या मिलेगा जो आपका ये जो कार्बन है ये जो कार्बन है इसके नेक्स्ट में जो आपने एक कार्बन बना रखा है ये जो नेक्स्ट ये ने जो बॉन्ड बना हुआ है इसके पास क्या है आरड्र है तो आर्डस यहाँ पे आपको दिख रहा है और उसके एडजस्ट में डबल बॉन्ड है बिल्कुल डबल बॉन्ड है दिख रहा है देन सिंगल बॉन्ड है सिंगल okay, बॉन्ड है देन आपका नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है दिख रहा है और यहाँ पे एक आर ग्रुप है आर ग्रुप है तो देखो बन गया ना हमारा क्यूमेरिन तो यहाँ पे मैंने सिर्फ रिएक्शन लिखी है बट होप आपको मैकेनिज्म भी क्लियर आई होगी आप इसे स्टेप में तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हैं जैसे आपने ये रिएक्शन दिखाई और नीचे के मैकेनिज्म के फॉर्मूल्स स्टेप्स मैंने आपको शो कराए उसे आप लिख सकते हैं क्लियर होगा इतना कर लेंगे तो बस ये हमारी दो संश्लेषण थी अब इसके बाद बनती है हमारी क्या तीन केमिकल रिएक्शन जो आपका क्यू, क्या क्यूनेलिन जो आपका क्या है क्यूनिलिन शो करता है ओके अब वो केमिकल रिएक्शन को भी आसानी से डिस्कस कर लेते हैं ठीक है थीके? ओके okay, तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली केमिकल रिएक्शन शोन बाय क्यूनेलिन यानी कि क्यूनलिन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है तो मैंने अभी आपको क्या बोला सिर्फ तीन केमिकल रिएक्शन हमने डिस्कस करनी है जिसमें से पहली आपकी इलेक्ट्रोफ्लिक सब्स्यूशन रिएक्शन दूसरी आपकी न्यूक्लोफिक सब्सुएशन रिएक्शन एंड फाइनली लास्ट है आपकी रिडक्शन ओके यानी कि आपने अपने क्यूनलिन में क्या है रिडक्शन रिएक्शन शो करनी है ओके तो तीनों ही बहुत आसान है बहुत आसानी से आप कर लेंगे तो पहले सुनिएगा फर्स्टली हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफ्लिक इलेक्ट्रोफ्लिक सब्स्यूशन रिएक्शन जो कि आपका क्यूनलिन शो करता है तो कैसे आपका क्विनोलिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो आपने सुनना है ओके तो थ्योरी फर्स्टली आपको ये बोल रही है कि ये जो आपका क्विनोलिन है वो अंडरगोस करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अ बेंजीन रिंग एंड नॉट इन एन रेसिडेंटल

की इस पे आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा यानी कि ये जो रिंग है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं जब भी आप कराते हैं चेंजेस सिर्फ कहाँ आएंगे आपके बेंजीन रिंग में आएंगे ओके अब कैसे होगी और देखो हाँ एक और चीज है ये बोर्ड है जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना वो आपका अटैक कहाँ करेगा सिर्फ दो पोजिशन पे आइदर फोर्थ आइदर एथ एंड आइदर फिफ्थ और जनरली मतलब आपको एक मिक्सचर देने वाला है क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अप्रोच करेगा एटथ या फिर फिफ्थ पोजिशन में और जनरली क्या होता है जो फिफ्थ पोजिशन वाला जो प्रोडक्ट होता है वो ही आपका मेजर होता है ओके तो देखो फिफ्थ पोजिशन कौन सी है एथ पोजिशन कौन सी है यहां से आपका नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये फर्स्ट पोजिशन ये सेकंड पोजिशन ये थर्ड पोजिशन ये फोर्थ पोस्ेशन ये आपकी रहेगी फिफ्थ पोजिशन ओके ये है आपकी फिफ्थ ये सिक्स पोजिशन सेवन पोजिशन आपकी एट्थ पोजिशन आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आइदर आपके फिफ्थ पोजिशन और आइदर आपकी एथ पोजिशन में अप्रोच करने वाला है यानी कि आपका इलेक्ट्रोफाइल या यहाँ जुड़ेगा या आपका यहाँ जुड़ेगा ये आपकी फिफ्थ पोजिशन है ये आपकी एट्थ पोजिशन है और जनरली यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर होता है और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो माइनर होता है ओके okay? तो फर्स्ट तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो पहली हमारी ये सल्फोनेशन यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं H2SO4 की प्रेजेंस में लेके हमारे क्यूनिलिन को रिएक्ट करा रहे हैं ठीक है थीके? H2SO4 की प्रेजेंस में तो होगा क्या आपके H2SO4 से क्या है SO3H ग्रुप आपका अप्रोच करेगा अब कहा अप्रोच करेगा देखो आपको वही चीज दिखाई है कि दो प्रोडक्ट आपको मिले जिसमें आप पहले केस में देख रहे हैं कि आपका अप्रोच कौन सी पोजिशन में हुआ है एट्थ पोजिशन में हुआ है और दूसरे में देख रहे हैं कि अप्रोच आपकी आपकी कौन सी में में हुआ है? में हुआ है है बाकी सारी चीजें एज इट इज हमने क्या किया वॉटर का एलिमिनेशन कराते हुए यहाँ बा, एक बार हमने एट्थ पोजिशन देखो सब्स्यूशन रिएक्शन तो सबको पता ही है हमको बस इतनी चीज याद रखनी है कि अटैक कहाँ पे होने वाला है जब हम क्यूनिलिन में हमारी रिएक्शन सब्स्यूशन रिएशन रिएक्शन कराएंगे तो हमने पहले बोल दिया

प्रिटेड HNO3 की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराए, तो आपने क्या किया NO2 ग्रुप को ऐड किया है नाइट्रेशन में अब NO2 ग्रुप कौन से पोजीशन में अटैक करेगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है बाकी आपको नोन है तो आपको पता है अटैक होगा इधर फिफ्थ पोजीशन में इधर एट्थ पोजीशन में तो एक बार आपने फिफ्थ में अटैक करके दिखाया एक बार एथ में अटैक करके दिखाया और बताया कि ये दोनों आपको क्या है एज अ मिक्सचर के फॉर्म में ऑप्टेन होने वाले हैं जब भी आप अपने रिएक्टेड मॉलिक्यूल क्यूनिलिन में नाइट्रेशन कराते हैं तो आपको ये मिक्सचर मिलेगा लेकिन इस मिक्सचर में से ये आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर होगा क्लियर हुआ सेम वे में अगर हम लोग हेलोजिनेशन कराएं यानी कि हम लोग ब्रोमिन का एडिशन कराना है ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो हमें ब्रोमिन क्या है दो पोजिशन में मिलेगा आइदर फिफ्थ आइदर एथ लेकिन मेजर क्या होगा फिफ्थ वाला और ये आपका माइनर होगा लेकिन मिलेगा मिक्सचर ही मिक्सचर में भी अगर आप यील्ड के बेसिस पर मेजर माइनर करना चाहेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा मेजर मिलेगा फिफ्थ पोजीशन वाला और माइनर मिलेगा एट पोजीशन वाला क्लियर हुआ बस इतनी सी बात आपने किस में करनी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अप्रोच आप सिर्फ एट्थ एंड फिफ्थ पोजिशन में ही कराएंगे क्लियर अब इसके बाद की बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बिल्कुल आसान है जैसे अभी हमने ऊपर बोला कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होगी बेंजीन रिंग में होगी और कौन सी पोजीशन में होगी एट्थ और फिफ्थ पोजीशन में होगी सिंपल सी बात यानी कि

तो जब आपका अप्रोच होगा तो आपको पता है यहाँ पे आपका न्यूक्लोफाइल की तरह अप्रोच करेगा और कौन सी पोजिशन में करेगा मैंने बता दिया की में आपकी तो हमको जो होगी, वो हमारी क्या होगी टू अमीनो क्यूनलिन यानी क्यूनलिन की बस सिर्फ सेकंड पोजिशन में हमने एक ग्रुप एड कर दिया हाइड्रोजन के बदले किसको लगा दिया है आपके न्यूक्लोफाइल एनएस टू को अमोनिया को अमीनो ग्रुप को लगा दिया है तो हमको जो स्पीसीज ऑप्टेन होगी

तो यहां पे न्यूक्लोफाइल कौन है आपका आर ग्रुप है और लिथियम एज अ पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लोफाइल को आपको मिल गया आर आपका न्यूक्लोफाइल है, तो है, है तो ये अप्रोच करेगा आपको पता है ये है तो ये अप्रोच करेगा पैर में और पारेडिन की पर्टिकुलरली तो आर ग्रुप जाके जुड़ गया क्लियर हुआ तो ये हमको क्या मिल गया टू ब्यूटाइल क्यूनोलिन अक, आपको एज अ प्रोडक्ट ऑप्टेन हो गया क्लियर हुआ तो ये चीज आपने यहाँ पे बतानी है न्यूक्लोफ्लिक रिएक्शन के अंदर आप कोई भी रिएक्शन आप यहाँ पे एड कर सकते हैं आपकी चॉइस से ठीक है अब देखो लास्ट है आपका रिडक्शन ऑफ क्यूनलिन तो ये बोल रहा है आपका जो क्यूनोलिन है ना इसमें रिडक्शन भी होता है रिडक्शन आपको अलग अलग चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी देखिए पहली चीज तो ये आ जाती है रिडक्शन सबको पता है रिडक्शन मतलब क्या हुआ देखो रिडक्शन मतलब होता है पहले भी आपको बताया था जो आपका पोर्शन होता है उसे जब आप सैचुरेटेड करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं रिडक्शन यानी कि जो आपका डबल बॉन्ड या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है अगर आप उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसी प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रिडक्शन तो आपके क्यूनिलिन में आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं सिर्फ डबल बॉन्ड है इसका मतलब अगर आप रिडक्शन करा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके क्यूनिलिन में जो डबल बॉन्ड है उसे आप किस में

आप देख रहे हैं इसमें आपका अनसेचुरेशन मैंने अनसेचुरेशन की बात की यहाँ पे आपका अनसेचुरेटेड ग्रुप्स है देखो अनसेचुरेशन है ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ भी आपका डबल बॉन्ड है मैं भी डबल बॉन्ड लगा देती तो हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड तो ये देखो अनसेचुरेटेड वाला पोर्शन है इसे आपने सेचुरेट में कन्वर्ट करना है तो देखो पहली जो सैचुरेट स्पीसीज आपको ऑप्टेन हुई पहला जो रिडक्शन करके स्पीसीज ऑप्टेन हुई उसमें आपको क्या देखने को मिला कि बेंजीन में तो डबल बॉन्ड आपके सारे इट इज है सिर्फ आपका रिडक्शन कहाँ हुआ है इस पोर्शन में हुआ है यानी कि यहाँ से डबल बॉन्ड आपका हटा है ओके लेकिन जो दूसरी स्पेसीज आप देख रहे हैं दूसरी स्पेसीज में आपकी एज इट इज है और ये वाला डबल बॉन्ड भी हटा और ये भी हटा ओके okay? और जो तीसरी स्पेसीज आप देख रहे हैं उसमें आपको क्या है कोई भी डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है यानी कि बेंजीन में भी आपका पूरा सैचुरेशन आ गया ठीक है ये भी बेंजीन में जो तीन डबल बॉन्ड थे ये भी हट गए और आपके पैरिडिन में जो ये दो डबल बॉन्ड थे ये भी आपके हट गए यानी कि पूरी रिंग से पूरी रिंग आपकी पूरी तरह से कंप्लीटली क्या हो गई है सेचुरेट हो गई है तो हमको क्या अलग अलग रिड्यूस स्पेसीज मिल रही है और ये जो अलग अलग रिड्यूसिज मिल रही है वो किसके बेसिस पे मिल रही है यहाँ जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट लिए हैं उसके बेसिस पे आप किस टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं उसके बेसिस पे क्या है आप, आपको अलग अलग रिड्यूस प्रोडक्ट देखने को मिलता है ओके तो वो चीज पहले यहाँ पे थ्योरी के थ्रू बताइए ये बोल रहा है

लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी कि एल ए एच एल एच बोलते हैं हमने ये पढ़ा भी है रिडक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो ये बोल रहे जब भी आप क्यूनिल की रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम प्रेन्सियम हाइड्राइड तो आपको देखने को मिलता है 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 जो आपका है, वो आपका प्रोडक्ट होता होता वो क्या यानी कि आप क्या करते हैं सिर्फ एक डबल बॉन्ड का रिडक्शन कराते हैं बाकी के डबल बॉन्ड आपके एज इट इज रहते हैं कब जब आप क्या करते हैं एल ए एच यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं ओके और ये जो आपका रिडक्शन हुआ है ये आपका

अब दूसरा ये बोल रहा है कि अगर आप क्यूनिलिन को रिड्यूस कराएंगे किसके प्रेजेंस में देखो अगर आप रिडक्शन करा रहे हो रिडक्शन आपका हाइड्रोजनेशन है मतलब प्रेजेंस में अगर आप रिडक्शन करा रहे हैं तो उस केस में आपको जो रिड्यूस मिलेगी वो होगी वन टू थ्री फोर यानी कि आपको ये दोनों डबल बॉन्ड का रिडक्शन देखने को मिलेगा जब आप एक कैटलिस्ट को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे कैटलिस्ट आपका निकिल प्लेटिनम वगैरह ये सब आपके कैटलिस्ट हो सकते हैं और एच टू को आप यहाँ पर वन मोल एच टू को आप देखो वन मोल नहीं लेंगे आप टू मोल एच टू लेंगे बिकॉज दो डबल बॉन्ड आपको आप यहाँ पर रिड्यूस कर रहे तो हमने टू मोल H2 लिया साथ ही साथ निकल को एज अ कैटेलिस्ट लिया तो हुआ क्या हमको ये देखने को मिला कि यहाँ पे हमने कैटेलिटिक रिडक्शन कराया और कैटेलिटिक रिडक्शन में हमारे ये दोनों डबल बॉन्ड यहाँ पे रिड्यूस हो गए और हमको जो स्पीसीज ऑप्टेन हुई अब वो वन टू डाई हाइड्रोक्यू के बदले वन टू थ्री फोर यहाँ पे भी आपका रिडक्शन हो गया ना तो हमको वन टू थ्री फोर टेट्रा मिल गया इतनी चीज क्लियर आए अब फाइनली एक और चीज बोल रहा है कि अगर आपने देखो ये तो आपका सिर्फ पारेडिन में हुआ है लेकिन ये बोल रहा है ले रहे हैं एच को आप ले रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सी एस टी सीओ की भी प्रेजेंस लेते हैं तो आपकी पारेडिन के साथ साथ आपकी बेंजीन रिंग भी पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगी और आपको डेक हाइड्रोक्यूनिलिन ऑप्लेन हो जाएगा क्लियर हुआ यानी कि दोनों

वो भी आपके क्या है मेटल हाइड्राइट टाइप के अपने रिड्यूसिंग एजेंट ले लिए तो वही चीज अगर आप डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो डिफरेंट टाइप के रिड्यूस प्रोडक्ट आपको मिलेंगे बस ये चीज आपने थर्ड केमिकल रिएशन में बतानी ओके तो बस इतनी चीज हमने कवर करनी थी आज के लेक्चर पे क्यों पे लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर दे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक लिए बाय बाय